जवाहरलाल नेहरू ने तो इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जेल गए, आपने क्या किया? आपको तो सब प्लेट में मिला, बनी बनाया मिला। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ कारखाने बनाए, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ अस्पताल बनाए, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई। क्योंकि जो पहले राजे महाराजे होते थे हमारे मुल्क में, चाहे वो बादशाह होता था मुसलमान, चाहे राजा होता था, वो क्या करता था? या तो अपने लिए महल बनाता था या मंदिर या मस्जिद बनाता था। मगर जो बाहर के राजे होते थे अंग्रेजों के, वो क्या बनाते थे? अपने लिए तो रहने के लिए जगह बनाते थे, मगर वो यूनिवर्सिटी बनाते थे, कॉलेज बनाते थे। इसलिए जब यहाँ मुल्क आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, एम्स बनाया, कारखाने बनाए। और ये फिर वापस चले गए 500 साल, ये फिर माजे राजे महाराजे बने। ये क्या बना रहे हैं? नया पार्लियामेंट हाउस जिसमें करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च। ये क्या बना रहे हैं? मंदिर। अरे मंदिर तो लोग बनाएंगे, उनकी आस्था है उसमें, आप कौन होते हैं मंदिर बनाने वाले? तो ना तो हमें तो यूनिवर्सिटी, हमें तो कॉलेज, हमें तो नौकरियों की जरूरत है, हमें तो अच्छी सड़कों की जरूरत है, हमें तो खेतों में पानी की जरूरत है, हमें तो एमएसपी की जरूरत है किसानों को। जिन्होंने एक बार बंटवारा किया हिंदुस्तान की जमीन का, ये लोग दोबारा यहां के लोगों का बंटवारा करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को खबरदार करना चाहता हूं, अगर दूसरा, अगर हमने इनको दूसरा बंटवारा करने दिया तो भगत सिंह की जो कुर्बानी है वो लाएगा जाएगी, वो जाया हो जाएगी। जो गांधी जी कहते थे वो सब जाया हो जाएगा। इसका मतलब है वो दूसरा एक गोट से नहीं, इस वक्त कई गोट से है जो गांधी को मारना चाहते। और गांधी इस वक्त क्या है? पूरा हिंदुस्तान गांधी है, इनको छोड़ के इस वक्त वो गोट से दोबारा गांधी को मारना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ, दोबारा गांधी को मरने मत दो। एक बार मार दिया, दोबारा मत मरने। लोग इसका मुकाबला कर सकते हैं, कश्मीर में तो इनका पांव धरने की जगह नहीं मिलेगी। ये वो पैसे वैसे देके अपने झंडे झंडे उठाते हैं, वहां कुछ नहीं होगा। मगर जम्मू, जम्मू जिसने मिलिटेंसी में यहाँ हिंदू मुसलमान कश्मीरी पंडित को जगह दी, उसके साथ अपना पानी बांटा, अपना घर बांटा, आप लोगों पे फर्ज बनता है। क्योंकि आप लोगों के जरिए आपको कहते हैं कोई बड़ा जुल्म हो गया जम्मू पे, कहते नहीं नहीं कश्मीर को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। अरे क्या ठीक करोगे कश्मीर को? किसी आदमी को महबूबा मुफ्ती पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट छोटी अभी साल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिलीप सिंह जी और मैडम महबूबा मुफ्ती पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट छोटी अभी साल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिलीप सिंह जी और ये मेरे बड़े से नाम ही पता नहीं थी कुछ सुनकर। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब मुफ्ती साहब यहाँ पे पहली बार इलेक्शन लड़े थे, यहाँ पे पावर भी बढ़ा था मुफ्ती साहब की। हम बहन को बहुत इज्जत है, ये मेरी बड़ी बहन है।